धर्म को, हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए। यही कार्य कोई दूसरे धर्म के लिए, अगर मुसलमान के लिए करे तो पूरे विश्व में बवाल खड़ा हो जाता है, उनका इस्लाम खतरे में आ जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म इतना कमजोर नहीं है इन हरकतों से खतरे में आए। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में उसके गलत संस्कार पड़ रहे हैं, जिनको रोका जाना चाहिए। अखिल भारत हिंदू महासभा की पहल है कि हम इसको निश्चित रूप से रोकें। देखिए, ये क्रिसमस का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये गलत संदेश लोग दे रहे हैं कि हम क्रिसमस का विरोध कर रहे हैं। क्रिसमस हिंदुओं का त्यौहार नहीं है। हिंदुओं के बच्चों पर या हिंदू समाज के परिवारों को क्रिसमस मनाने के लिए अगर कोई मजबूर करेगा तो उसका हम विरोध करेंगे और हर संभव विरोध करेंगे, उसके लिए चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी हमें करना पड़े। हम बिल्कुल भी किसी भी परंपरा के, किसी भी धर्म के मनाए जाने वाले त्योहारों के विरोधी नहीं है, लेकिन वो त्योहार उस धर्म के लोगों के द्वारा ही मनाए जाएं। उनको कहीं ना कहीं हिंदू समाज के लोगों पर थोपना या हिंदू समाज के बच्चों को मनाने के लिए मजबूर किया जाएगा तो अखिल भारत हिंदू महासभा उसके लिए कठोर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। हम शासन प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं को आहत करने का जो भी प्रयास करेगा, चाहे वो क्रिसमस मनवाने के लिए हो, चाहे और भी कई सारे ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं जो हमारे धर्म के नहीं है, उनके लिए अगर कोई बाध्य करेगा तो हम उसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, 25 तारीख को अगर कोई स्कूल इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है और हिंदू परिवार के बच्चों को वहां पर आमंत्रित करके या उनको मजबूर करता है मनाने के लिए, तो हम हर तरीके से उनका विरोध करेंगे। हमें स्कूल में जाना पड़ेगा तो स्कूल में जाकर के उसका विरोध करेंगे। नहीं, सेल नहीं, अखिल भारत हिंदू महासभा की कार्यकारिणी ही अपने आप में पर्याप्त है। हमें इसके लिए कोई स्पेशल सेल बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे कार्यकर्ता सक्षम है। सर, एक तरफ आप मतलब दोहरी मानसिकता दिख रही है, एक तो मना भी कर रहे हैं कि नहीं मनाएंगे और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम रोकेंगे, जो मनाना चाहे मना लेते हैं। हाँ, तो जो मनाना नहीं, दोहरी मानसिकता नहीं, हिंदू छात्रों को अगर कोई मनवाने के लिए मजबूर करता है तो उसको रोकेंगे, ये दोहरी नहीं, ये हमारी एक तरफा मानसिकता है। स्पष्ट रूप से ये हिंदुत्ववादी मानसिकता है। हिंदू छात्रों को क्रिसमस मनाने के लिए अगर कोई मजबूर करता है तो हम उसको हर तरीके से रोकेंगे। बच्चों को ये नहीं जानना चाहिए कि विभिन्न धर्मों के बारे में बच्चों को जानकारी नहीं देनी चाहिए। विभिन्न सामाजिक जो ताना बाना है, जो सौहार्द है, उसको आप बिगाड़ने का प्रयास नहीं? मेरी एक समझ में नहीं आता, सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने या सुधारने का जिम्मा सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों दिया जाता? वहाँ एक धर्म है जिसका संविधान, जिसका जो है इस्लाम खतरे में आ जाता है संविधान को पैर छूने में, एक धर्म है जिसका इस्लाम खतरे में आ जाता है वंदे मातरम बोलने में, उनके ऊपर ये आरोप क्यों नहीं लगाए जाते हैं? हम अगर अपने बच्चों को ये रोक रहे हैं कि आप हिंदू धर्म के त्योहारों को मनाइए, आप ईसाई या मुसलमानों के त्योहारों को मत मनाइए, तो ये हमारी अपनी स्वतंत्रता है।